My friends are smiling, but they are also scared. They are scared. चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन. तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है. 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं सर. जो अभी सर आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं सर. चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं. तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को. नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, प्लीज एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, प्लीज नहीं सर, बोलने दीजिए. हाँ, आप बैठिए, आप बैठिए. इस चक्रव्यूह ने क्या क्या किया? जो हिंदुस्तान को रोजगार देते हैं, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, जो करोड़ों युवाओं को रोजगार देते थे, उन पर इस चक्रव्यूह ने आक्रमण किया. कैसे किया? नोटबंदी, GST और टैक्स टेररिज्म. आप लोग आतंकवाद की बात करते हो, पूरे देश में, पूरे देश में अगर कोई भी व्यक्ति छोटा बिजनेस चलाता है तो रात को उसको फोन कॉल आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, GST से, और टैक्स टेररिज्म का वो शिकार होता है. इस टैक्स टेररिज्म को रोकने के लिए बजट में आपने कुछ नहीं किया है. तो टैक्स टेररिज्म के कारण और ये जो आपकी नीतियां हैं, जो आपने कोविड के समय बड़े बिजनेसेस की मदद की और जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस थे उनको खत्म किया, उसके कारण आज हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है. बिल्कुल एक युवा को रोजगार नहीं मिल सकता है. अब तो आपने पहले टांग तोड़ दी और उसके ऊपर आप बैंडेड लगाने की कोशिश कर रहे हैं. पेपर लीक मैं आपको बताता हूं, 10 साल में 70 बार हुआ है. अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं, 10 साल में 70 बार हुआ है. तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में एक शब्द नहीं कहा है. युवाओं के लिए पेपर लीक सबसे जरूरी मुद्दा है, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा है पेपर लीक के बारे में. एक बार उन्होंने पेपर लीक नहीं कहा. और आप अपने आप को देशभक्त कहते हो, मगर जब अग्निवीरों की मदद करने की बात आती है, जवानों को पैसा देने की बात आती है, तो बजट में आपको 1 रुपया नहीं दिखाई देता. उनकी पेंशन के लिए 1 रुपया आपने नहीं दिया. तो उनका सर जो अन्नदाता है, वो चक्रव्यूह से निकलने के लिए, आपके चक्रव्यूह से निकलने के लिए जो आपने बनाया 3 काले कानून, जमीन अधिकरण बिल को आपने कमजोर किया, उनको आप सही दाम नहीं देते हो. इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए उन्होंने आपसे सिर्फ एक चीज मांगी है. 2 चीजें नहीं मांगी है, सिर्फ एक चीज मांगी है. उन्होंने कहा है कि हमें लीगल गारंटीड MSP दे. मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था. जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी, तो उन्होंने दबा कर थाली बजाई, धड़ 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 थाली बजाई. हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई. उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली. मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी. अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा. ने कहा मैं ये मैंने नहीं कर रहा, किया मैंने जबरदस्ती नहीं बोला. आप बोल रहे हो, मैं स्पीकर साहब से परमिशन लिया. आप बोल रहे हो, स्पीकर साहब ने मेरा नाम लिया. बोल रहे हो, आपने ये नहीं किया, तभी मुझे लगा कि मुझे कहना चाहिए कि आप प्रधानमंत्री जी को
पूरा भाषण तक आपने डिस्टर्ब किया, बोलने नहीं दिया। आज हम आपको यील्ड मांग रहे हैं, 10 सेकंड टाइम आप बोल रहे हैं कि हम यील्ड नहीं करेंगे। ये कौन सा परंपरा है? मैं जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो नियम के तहत बोल रहा हूँ और स्पीकर का परमिशन पे खड़ा हुआ हूँ। ये एक परंपरा होता है, एक दूसरे का इज्जत देना होता है, इतना तो कर्टसी होना होता है। राहुल जी, वी रेज आवर हैंड एंड आस्क फॉर द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स टू यील्ड। दे यील्ड, वी विल यील्ड एवरी टाइम। यस, द मोमेंट यू यील्ड, आई गारंटी यू वी विल यील्ड। इन फैक्ट आई एम रेडी स्पीकर सर, आई एम रेडी सर। जब भी मैं उसको हटाना चाहता हूं, मुझे ये करना है सर, वो देखो अभी। क्या डर रहे हैं सर फोटो से? शिव जी के फोटो से डरते हैं सर, इस फोटो से डरते हैं अभी। सर मैं ये फोटो दिखाना चाह रहा हूँ, सर मैं समझाना चाह रहा हूँ, नियम के तहत परमिशन नहीं है मान्य। अच्छा सर, मैं ये फोटो समझाना चाह रहा हूँ सर। इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही है, कमाल की बात है। ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना। आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया, मतलब आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे। तो हिंदू कहते हो आप, हिंदू कहते हो आप, हिंदू धर्म को समझते नहीं हो। जो आपने चक्रव्यूह स्पीकर सर, जो चक्रव्यूह बनाए गए हैं, नहीं ने कोई अपमान नहीं किया, मैंने कोई अपमान नहीं किया, मैं कर नहीं सकता कभी जिंदगी भर, मरने तक मैं अपमान नहीं कर सकता। क्या बात कर रहे हो आप, क्या बात कर रहे हो? एक और चक्रव्यूह बना दिया है सर। नो, मीडिया वालों को सर आपने पिंजरे में बंद कर दिया सर, उनको बाहर निकाल दीजिए। स्पीकर सर, एज आई सेड इन माय स्पीच, देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ फियर, डर का माहौल है हिंदुस्तान में, एंड दैट fear has pervaded every aspect of our country. My friends are smiling, but they are also scared. They are scared. Sir, main aa raha hu sir. Budget hai sir, budget pe hi bol raha hu sir. Sir, you see the problem is sir, in the BJP only one man is allowed to dream to be prime minister. If the defense minister decides he wants to be prime minister, there is a big problem, there is fear. So this fear has been spread throughout the country, and the question I was asking myself was, why is this fear spreading so deeply? Why is it that my friends in the BJP are terrified, the ministers are terrified, the farmers of India are terrified, workers, youngsters? And I इसके बारे में मैंने सोचा, काफी सोचा, और एक जवाब मैं प्रपोज करता हूं आज। स्पीकर सर, हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को, 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था, 6 चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है, और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर,
वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। स्पीकर सर वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था, उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, प्लीज एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, प्लीज नहीं सर, बोलने दीजिए। हाँ आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। माननीय सदस्य, आप संवैधानिक पद पर हैं, आपके कई माननीय सदस्यों ने यहाँ पर मुझे लिख लिख कर दिया है कि जो माननीय सदस्य सदस्य का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं लें। आपने लिख के दिया है। आपने क्या, आप उसकी पालना करना चाहते हो? स्पीकर सर, सर स्पीकर सर गलत। मैं माननीय सर, स्पीकर सर एक मिनट, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। स्पीकर सर अगर आप चाहते हैं तो मैं एक मिनट, एक मिनट, मैं प्रतिपक्ष के नेता से ये तो अपेक्षा करूंगा सही कि वो सदन की नियम मर्यादा और मर्यादा को बने, ये अपेक्षा करता हूँ। आप चाहे नहीं करें पर मैं अपेक्षा करता हूँ। नहीं सर, मैं अगर आप चाहते हैं सर, मैं फिर माननीय सदस्य आप अगर आप चाहते हैं प्लीज, मैं नहीं चाहता, सदन के नियम प्रक्रियाओं से सदन चलता है। सर अगर आप कहते हैं मैं निकाल देता हूं। नो नो सदस्य, मैं तीन ही नाम यूज करूं। नहीं माननीय सदस्य, नहीं नहीं कहा, और आप वीडियो स्पीकर सर, स्पीकर सर, द चक्रव्यूह दैट हैज कैप्चर्ड इंडिया हैज 3 फोर्सेस बिहाइंड इट। फर्स्ट इज द आइडिया ऑफ मोनोपोली कैपिटल, दैट 2 पीपल शुड बी अलाउड टू ओन द इंटायर इंडियन वेल्थ। So one element of the Chakravyuh is coming from the concentration of financial power. The second element, sir, मैं budget को explain कर रहा हूँ sir, मैं आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ sir. So one element is financial power. The second element is the institutions, the agencies, CBI, ED, Income Tax Department of this nation. And the third is the political executive. Speaker sir, these 3 together are at the heart of the Chakravyuh. And they have devastated this country. Speaker sir, my expectation was that this budget would weaken the power of this Chakravyuh. That this budget would help the farmers of this country, would help the youth of this country, would help the laborers, the small businesses of this country. But what I have seen is that this budget, the sole aim of this budget, iski jo niyat hai, it is to strengthen this framework, the framework of big business, monopoly business, the framework of a political monopoly that destroys the democratic structure, and finally the framework of what one can call the deep state or the agencies. And the result of this has been the first pehla kaam is Chakravyuh ne kya kiya,
जो हिंदुस्तान को रोजगार देते हैं, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, जो करोड़ों युवाओं को रोजगार देते थे, उन पर इस चक्रव्यूह ने आक्रमण किया। कैसे किया? नोटबंदी, जीएसटी और टैक्स टेररिज्म। आप लोग आतंकवाद की बात करते हो, पूरे देश में अगर कोई भी व्यक्ति छोटा बिजनेस चलाता है तो रात को उसको फोन कॉल आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जीएसटी से, और टैक्स टेररिज्म का वो शिकार होता है। इस टैक्स टेररिज्म को रोकने के लिए बजट में आपने कुछ नहीं किया है। तो टैक्स टेररिज्म के कारण और ये जो आपकी नीतियां हैं, जो आपने कोविड के समय बड़े बिजनेसेस की मदद की और जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस थे उनको खत्म किया, उसके कारण आज हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। बिल्कुल एक युवा को रोजगार नहीं मिल सकता है। अब फाइनेंस मिनिस्टर बैठी हैं, अब युवाओं के लिए आपने क्या किया? बजट में आपने इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात करी और यह शायद एक मजाक है, क्योंकि आपने कहा कि इंटर्नशिप प्रोग्राम सिर्फ हिंदुस्तान की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में होगा और 99% जो हमारे युवा हैं उनको इस इंटर्नशिप प्रोग्राम से कुछ लेना देना नहीं, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आपने पहले टांग तोड़ दी और उसके ऊपर आप बैंडेड लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मेन मुद्दा आज युवाओं का एग्जाम पेपर लीक है। जहां भी हम जाते हैं, आपने बेरोजगारी का चक्रव्यूह बना दिया इनके लिए, और जहां भी हम जाते हैं वो कहते हैं देखिए बेरोजगारी है मगर पेपर लीक भी होता है। तो आपने एक साइड पेपर लीक चक्रव्यूह, दूसरी साइड बेरोजगारी चक्रव्यूह। पेपर लीक मैं आपको बताता हूं 10 साल में 70 बार हुआ है, अगर आप जानना चाहते हैं 10 साल में 70 बार हुआ है। तो सर तो पेपर लीक के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में एक शब्द नहीं कहा है। युवाओं के लिए पेपर लीक सबसे जरूरी मुद्दा है, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा है पेपर लीक के बारे में। एक बार उन्होंने पेपर लीक नहीं कहा और उल्टा जो एजुकेशन बजट में पैसा देना चाहिए था वो आपने 20 साल में सबसे कम पैसा दिया है, 2.5% ऑफ बजट इज गॉन टू एजुकेशन। सर दूसरी तरफ आपने दूसरी तरफ पहली बार सेना के जवानों को आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। सही बात। इस बजट में अग्निवीरों के पेंशन के लिए 1 रुपया नहीं है। आप अपने आप को देशभक्त कहते हो मगर जब अग्निवीरों की मदद करने की बात आती है, जवानों को पैसा देने की बात आती है, तो बजट में आपको 1 रुपया नहीं दिखाई देता। उनकी पेंशन के लिए 1 रुपया आपने नहीं दिया। तो उनको आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। उसके बाद सर जो अन्नदाता हैं वो चक्रव्यूह से निकलने के लिए, आपके चक्रव्यूह से निकलने के लिए जो आपने बनाया 3 काले कानून, जमीन अधिकरण बिल को आपने कमजोर किया, उनको आप सही दाम नहीं देते हो। इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए उन्होंने आपसे सिर्फ एक चीज मांगी है, 2 चीजें नहीं मांगी है, सिर्फ एक चीज मांगी है। उन्होंने कहा है कि हमें लीगल गारंटीड एमएसपी दे। आपने उनको बॉर्डर पे बंद कर दिया, रोक दिया। आज तक रोड बंद है,
आप उनसे बात करने को तैयार नहीं है। वो यहाँ आए, मुझसे मिलने आए, आप उनको अंदर नहीं आने दे रहे। माननीय सर, सर मैं आपको बताता हूँ सर, वन सेकंड सर, मैं आपको फैक्ट बताता हूँ सर, जो मुझे एक सेकंड मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, फिर आप मुझे करेक्ट कर दीजिए। स्पीकर सर, फार्मर्स का डेलीगेशन नहीं सर, मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, पर आपको बताता हूँ जो 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 मुझे मालूम है। स्पीकर सर मैं आपको बताता हूँ, बैठिए। स्पीकर सर हुआ क्या, वहां पे सर मुझसे मिलने एक फार्मर का डेलीगेशन आया, मुझे बताया गया कि फार्मर के डेलीगेशन को अंदर नहीं आने देंगे। मैं उनसे मिलने जब गया तब उनको अंदर आने के दिया गया था। सर ये फैक्ट है सर, अब पता नहीं कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ वो अलग बात है, बट फैक्ट ये है कि जब मैं मीडिया के साथ वहां गया तब दरवाजे पार्लियामेंट के, संसद के, उनके लिए खुले, उससे पहले वो बंद थे। ठीक है, और ये आप उनसे भी पूछ लीजिए सर। प्लीज प्लीज नो प्लीज प्लीज एक मिनट एक मिनट। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि जो अन्नदाता है, जो सरकार से सिर्फ एक चीज मांग रहा है, लीगल गारंटीड एमएसपी, हमें लगता था कि ये कोई बड़ा काम नहीं है सर, ये इतना बड़ा काम नहीं है। हमें लगता था कि अगर सरकार बजट में इस बजट में इसका प्रोविजन कर देती, अगर बजट में इसका प्रोविजन कर देती तो जो हमारे किसान हैं, जो चक्रव्यूह में आपके चक्रव्यूह में फंसे हैं, वो निकल पाते। ये हमारी थिंकिंग थी, मगर आपने नहीं किया, तो मैं यहाँ इंडिया गठबंधन के तरफ से गारंटी देता हूँ कि हम ये काम करके दिखा देंगे। जो आपने अपने बजट में नहीं किया वो मैं हिंदुस्तान के सब किसानों से कहना चाहता हूँ, गारंटीड लीगल एमएसपी हम इस सदन में पास करके आपको देंगे। स्पीकर सर, जो मिडिल क्लास है सर, वो प्रधानमंत्री को अच्छी बात बोलो सर, सर मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबा कर थाली बजाई, धड़ 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 थाली बजाई। हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% से 12.5% किया, यहाँ छाती मारी, यहाँ छुरी मारी, और शॉर्ट टर्म को 15% से 20% छुरी मारी। दुख की बात है, मगर इसमें एक इंडिया गठबंधन के लिए एक हिडन बेनिफिट है, मिडिल क्लास अब आपको छोड़ने जा रही है और इस साइड आ रही है। तो मेरा कहना है, जहां भी आपको मौका मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो, एक चांस मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो। हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। हमारे बजट में किसान का कर्जा माफ हुआ, चक्रव्यूह तोड़ा, मनरेगा हुआ, चक्रव्यूह तोड़ा। तो हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं, आप चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। आप चाहते हो कि हिंदुस्तान छोटे 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 खांचों में रहे, और हिंदुस्तान के गरीब लोग सपना ना देख पाए। सिर्फ अरे क्या सर, सर मैं सर कैसे बोलूं सर, सर ये जो लोग, ये दो जो दो लोग हैं सर, ये हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजनेस को कंट्रोल करते हैं सर। इनके पास एयरपोर्ट है, टेलीकॉम का सिस्टम है, अब पोर्ट्स हैं, अब रेलवेज में जा रहे हैं। सर हमें इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो भी बोल दो। सर इनके पास राजस्थान वाला से बोलो, सर इनके पास
सर इनके पास हिंदुस्तान का पूरा धन का मोनोपोली है सर। सर इनके पास हिंदुस्तान के धन की मोनोपोली है, तो सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इनके बारे में मैं इंडिकेट कैसे करूँ, इनके बारे में बोलना तो पड़ेगा सर। अगर आप हमें कहो कि इन दोनों के बारे में आप बोल ही नहीं सकते तो वो तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है सर, हमें तो बोलना है। अब आपको आप चाहते हो कि नाम ना ले तो कोई और सिस्टम दे दीजिए हमें। आपके संसदीय कार्य मंत्री जी प्लीज प्लीज नो नो आई एम नॉट गिविंग आई एम नॉट यील्डिंग आई एम नॉट यील्डिंग आई एम नॉट यील्डिंग आई एम नॉट यील्डिंग मंत्री जी को रक्षा करनी है, मैं समझता हूँ। नो प्रॉब्लम, वो सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर, सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर, मैं समझता हूँ, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सर ही इज परमिटेड टू डिफेंड देम सर, इट इज अ डेमोक्रेसी सर, ही कैन डिफेंड देम, वी अलाउ हिम टू डिफेंड देम सर। ऐसा होता है क्या? A1 एंड A2 सर, आपके हैप्पीली सर, इफ द मिनिस्टर इज प्रोटेक्टिंग A1 एंड A2 सर, इट हेल्प्स अस ओनली सर, नो प्रॉब्लम, वी लाइक इट सर, प्लीज डू इट अगेन सर, प्लीज डू इट अगेन सर, आई गिव यू द स्पेस। मैं तो एक व्यवस्था का बात करना था, फिर शुरू हो गया। मंत्री जी व्यवस्था तहत मैं सिर्फ जो परिस्थिति बने उसमें कहने के लिए मैं खड़ा हुआ, उन्होंने बोला मैं यील्ड नहीं किया, ये नियम होता है। अगर सर अगर समय हम मांगते हैं तो यील्ड करना, एक एक वो यील्ड करना एक परंपरा है। नो 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 परंपरा, यू डोंट यील्ड करेंगे, प्राइम मिनिस्टर डज नॉट गिव। मैंने व्यवस्था तहत सर, उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया सर, एक राहुल जी एक मिनट, स्पीकर सर एक मिनट, स्पीकर सर मैं स्पीकर का परमिशन से खड़ा हुआ, बिल्कुल सही बोला आपने, कहा मैं ये नहीं किया, मैंने जबरदस्ती नहीं बोला, आप बोल रहे हो, मैं स्पीकर साहब से परमिशन लिया, आप बोल रहे हो, स्पीकर साहब ने मेरा नाम लिया, बोल रहे हो, आपने ये नहीं किया, तभी मुझे लगा कि मुझे कहना चाहिए कि आप प्रधानमंत्री जी को पूरा भाषण तक आपने डिस्टर्ब किया, बोलने नहीं दिया। आज हम आपको यील्ड मांग रहे हैं, 10 सेकंड टाइम आप बोल रहे हैं कि हम यील्ड नहीं करेंगे, ये कौन सा परंपरा है? मैं जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो नियम के तहत बोल रहा हूँ और स्पीकर का परमिशन से खड़ा हुआ हूँ। ये एक परंपरा होता है, एक दूसरे का इज्जत देना होता है, इतना तो कर्टसी होना होता है राहुल जी। सर 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 आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट सर, If when we raise our hand and ask for the Prime Minister and the ministers to yield, they yield, we will yield every time. Yes, yes, yes. The moment you yield, I guarantee you we will yield. Yes. In fact, I am ready, Speaker sir. I am ready. सभी लोग आप प्रतिपक्ष के नेता को डिस्टरबेंस कर रहे हैं और मैं आपको बार बार आप डिस्टरबेंस कर रहे हैं, वेणुगोपाल जी सब जहाँ डिस्टरबेंस कर रहे हैं, आप नोट कर लीजिए ये योजना से। देश में स्पीकर सर, देश में
ये कौन कर रहा है? तकरीबन 73% दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, और ये हिंदुस्तान की मेन शक्ति है, स्ट्रेंथ है। और सच्चाई है कि इनको कहीं भी जगह नहीं मिलती है, इनको बिजनेस में जगह नहीं मिलती है, इनको कॉरपोरेट इंडिया में जगह नहीं मिलती है, इनको सरकारों में जगह नहीं मिलती है। ये देखिए सर, प्लीज, ये देखिए सर, एक ये फोटो देखिए, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, प्रतिपक्ष, एक मिनट, एक मिनट, मैंने पहले सर 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 फोटो दिखाना गलत नहीं है सर, आपकी परमिशन लेके अभी परमिशन नहीं है आप सर, मैं ये फोटो दिखाना चाह रहा हूँ, नियम के तहत परमिशन, मैं समझाना चाह रहा हूँ, नियम के तहत परमिशन नहीं है माननीय। अच्छा सर, मैं ये फोटो समझाना चाह रहा हूँ सर, इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है, और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे, का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर, ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है, ठीक है सर। 20 लोगों, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया है, 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज सर, 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा, 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है, मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ दो हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी, और इस फोटो में एक भी नहीं है, मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, वो भी पीछे चल गया, फोटो में तो आने नहीं दिया आपने, कोई नहीं आ सकता। और मैं चाहता था कि बजट में जाति जनगणना की बात उठे, जो पूरा देश चाहता है, 90% हिंदुस्तान जाति, 95% जाति जनगणना चाहता है, कौन चाहते हैं, दलित चाहते हैं, आदिवासी चाहते हैं, पिछड़ा वर्ग चाहता है, गरीब जनरल कास्ट के लोग चाहते हैं, माइनॉरिटी चाहते, सब चाहते हैं, क्योंकि सब लोगों को यह पता लगाना है कि हमारी भागीदारी कितनी है, हमारी हिस्सेदारी कितनी है। मगर सर, मैं देख रहा हूं सर, सरकार हलवा बांटती जाती है, बांटती जाती है, बांटती जाती है, और बांटता कौन है, वही 2-3% लोग, और बांटता किसको है, वही 2-3% लोग, और बाकी हिंदुस्तान 90% हिंदुस्तान देख, फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही है, कमाल की बात है, ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है, ये जाति जनगणना है, इससे देश बदल जाएगा। सर आपको, सर ये जो कमल सर, जो पद्मव्यू वाले हैं, उसको चक्रव्यूह को पद्मव्यूह भी कहा जाता है सर, जो पद्मव्यूह वाले हैं इनको गलतफहमी है, ये सोचते हैं कि देश के युवा, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु हैं, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन है, और वो जो आपका चक्रव्यूह है उसको फोड़ के फेंक देंगे, फेंकने वाले हैं। पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया, पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया, आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया, मतलब आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे। और मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे सर। मैं, अरे सर, इसमें क्या गलती है सर, एक बात बताइए, चक्रव्यूह के खिलाफ फॉर्मेशन होता है हर धर्म में, माननीय सदस्य आप जानते हो, हिंदू धर्म में चक्रव्यूह का ऑपोजिट क्या होता है जानते हो आप? चेयर को एड्रेस, मैं बताता हूं सर, शिव की बारात होती है सर, शिव की बारात में कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आ सकता है, बारात में आ सकता है, नाच सकता है, गा सकता है, अपना सपना देख सकता है। सर, गुरु नानक जी
सिखों की बात करी जाए तो सेवा करने से किसी को नहीं रोका जा सकता है, लंगर से किसी को बाहर नहीं फेंका जा सकता है। सर, इस्लाम में कोई भी मस्जिद में आ सकता है, चर्च में कोई भी घुस सकता है, संघा में कोई भी आ सकता है सर, मगर इनके चक्रव्यूह में सिर्फ 6 लोग हैं सर। तो ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। हम चक्रव्यूह तोड़ते हैं, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं, मनरेगा, हरी क्रांति, आजादी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये चक्रव्यूह को तोड़ने के काम है। इससे देश में खुशी आती है, डर मिटता है, कॉन्फिडेंस आती है। आप पद्मव्यूह चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। चक्रव्यूह शिव की बारात को हरा ही नहीं सकता है। आप अपने इतिहास को देखिए, आप अपने आप को हिंदू कहते हो, आप हिंदू कहते हो, आप हिंदू धर्म को समझते नहीं हो। आप चक्रव्यूह बनाने वाले लोग हो, आपका हिंदू बोगस हिंदू बोगस बोगस। स्पीकर सर, तो अंत में मैं ये कहना चाहता हूं, अब शांत हो जाए, खत्म कर रहा हूं सर, घबराइए मत, डरो मत, डरो मत। स्पीकर सर, सर कुछ महीने पहले सर मैं जो आपने चक्रव्यूह स्पीकर सर जो चक्रव्यूह बनाए गए हैं, नहीं नहीं कोई अपमान नहीं किया, मैंने कोई अपमान नहीं किया, मैं कर नहीं सकता, कभी जिंदगी भर मरने तक मैं अपमान नहीं कर सकता। क्या बात कर रहे हो आप, क्या बात कर रहे हो सर। तो आपने ये छोटे छोटे चक्रव्यूह बना रखे हैं, मैं इनको समझने की कोशिश करता हूं अपने छोटे से तरीके से। कुछ महीने पहले मैं 6-7 घंटे बढ़ाइयों के साथ काम किया, वहां विश्वकर्मा जी थे, उनसे मैंने एक सवाल पूछा। मैंने उनसे कहा कि आपको किस चीज से दुख होता है, किस चीज से आपको दर्द होता है। उन्होंने मुझे कहा, राहुल बात सुनिए, आपको समझ आ जाएगी, बात सुनिए, समझिए। सर इंटरप्ट कर रहे हैं सर, अब आप बोलिए। अच्छा, तो मैंने विश्वकर्मा जी से पूछा कि आप यहां सालों से बढ़ाई का काम कर रहे हो, आप सालों काम पूरे देश में, अगर आप देखोगे मिलेंगे, ढूंढो, आपको अपने घर में नहीं मिलेंगे, पूरे देश में मिलेंगे, ढूंढो। तो मैंने उनसे पूछा, विश्वकर्मा जी आपको दर्द किस बात का होता है, दुख किस बात का होता है। तो उन्होंने कहा, राहुल मैं ये टेबल बना रहा हूं, मगर राहुल जी अब कहा वो मुझे अच्छा नहीं लगा, मगर कहा सच्चाई है। तो उसने कहा, राहुल जी मुझे दुख इस बात का होता है कि मैं ये टेबल बनाता हूं, मगर जिस शोरूम में ये टेबल रखी जाती है उस शोरूम में मैं अंदर जा ही नहीं सकता। कुछ दिन पहले सुल्तानपुर के रास्ते पे मैं एक भाई के साथ, मोची भाई के साथ बैठा, उससे मैंने ये सवाल पूछा, आपको दुख किस बात का होता है। कहता है, राहुल जी मेरा सम्मान सिर्फ मेरे पिता ने किया था और किसी ने नहीं किया। तो मेरा कहना है सर, ये जो आपने चक्रव्यूह बनाया है, इस चक्रव्यूह से करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है, दर्द पहुंच रहा है, और हम इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहे हैं। और तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका, जिससे आप लोग डरते हो, कांपते हो, वो है जाति जनगणना। और जैसे मैंने कहा था कि इंडिया गठबंधन गारंटीड लीगल MSP इस सदन में पास करेगी, वैसे ही मैं कह रहा हूं, आपको अच्छा लगे ना लगे, जाति जनगणना इस हाउस में, इस
सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। You love, you fool.